मॉर्निंग एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का मेरे ब्लॉग प्रियंका विद हेलिमा। मैं हूं प्रियंका। सो गाइस, आज मैं करने वाली हूं अपने सामान की अनबॉक्सिंग। तो काफ़ी टाइम से मैं कह रही थी कि मुझे अनबॉक्सिंग करनी है। तो सामान मेरा ऐसा था ना, कुछ सामान मेरा पहले ही आ चुका था और कुछ फिर आया हुआ, मुझे कुछ ही टाइम हो रहा है। तो मैंने कहा सारा सामान जब एक साथ आ जाएगा तभी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो फाइनली आज मैंने टाइम निकाल के जो है जितना भी सामान था, वैसे ज़्यादा नहीं है, 3-4 सामान है जिसकी अनबॉक्सिंग मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी और इसे मैं आज जो है लगा भी दूँगी। तो इससे पहले मैंने कहा चलो आप लोग के साथ इसके रिव्यू शेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूँ, मैंने जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पे लिए हैं वो सारे मीशो से लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं लेके आ गई हूँ यहाँ पे सामान चेयर में बैठ के, तो यहीं से ही मैं दिखाऊँगी। तो पार्सल जो भी मैंने मंगाया था वो 2-3 चीज़ किचन का है और एक चादर मैंने मंगाई थी। आप लोगों ने कमेंट करके पूछा भी था कि कितने का है ये भी बताना। तो चादर सबसे पहले ये दिखाता है, मैंने इसको ना चेक भी करी थी। तो अभी भी ये ऑफ़र में चल रही है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये चादर जो है 450 की है और दो हैं। तो मेरे जो बेड है इस वाले रूम पे, वो दोनों को हमने चिपका रखा है। तो मैं उसमें अलग अलग चादर वैसे बिछाती हूँ बट वो ना अच्छा नहीं लगता। अगर हम उसमें एक जैसा बिछाएंगे तो दोनों एक जैसा लगेगा, इसलिए मैंने ये वाली एक जैसे दिखने के लिए मैंने ये वाली चादर मंगाई थी। तो ये येल्लो कलर की चादर है जिसमें दो सेट मुझे मिला है 450 रुपये। तो 450 में वो चल रहा था, एकदम से सेल चल रही थी, मैंने उसी में मंगाया था। तो लाइव में काफ़ी दिनों में मैंने शॉर्ट वीडियो में इसका जो है बेड में लगा के भी दिखाया है, शॉर्ट वीडियो डाली है मैंने इसमें लगा के बेड में दिखाया है। अगर आप देखना चाहते हैं, मेरा कैमरा नीचे आ रहा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन पे, आप देख लेना। तो चलिए इसको वो करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये चादर, और चादर है ना बिल्कुल प्योर कॉटन में है, बहुत ही सुंदर है। ऐसा मुझे ये हल्का लगा, मतलब कपड़ा इसका थोड़ा सा हल्का लगा, मगर कभी कभी ऐसा होता है ना कॉटन के जो चादर होते हैं उनको वॉश करके जो है वो करे तो थोड़ा सा कपड़ा उसका सही हो जाता है, ऐसा मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसको रख ले। तो 450 में क्या ही मिलेगा, तो 450 में दो चादर मिले, प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे ये सही लगा। तो आपको इसको कम करके दिखा दूँगी, एक ही दिखाऊंगी, बाकी दोनों इसके डिज़ाइन वगैरह सब कुछ ही सेम है गाइस। तो ये है येल्लो कलर की, प्योर कॉटन है और इसका जो कलर है वो येल्लो है। तो इसमें से ना दो सेट मिले थे, उसमें एक का मुझे कलर थोड़ा सा हल्का लगा एक के अकॉर्डिंग, और बाकी ठीक ही था। तो ये सिंगल बेड की चादरें हैं, इसके साथ आपको सिंगल वो मिलेगा, पिल्लो कवर भी मिलेगा। इसका डिज़ाइन आप देख सकते हो, ये है डिज़ाइन बना हुआ है, इसमें हाथी वगैरह बने हुए हैं, ये देखिए, मतलब ठीक है, मुझे सही लगा, सही लगा। इसी टाइप का है, इसके किनारे किनारे इस टाइप के डिज़ाइन बने हुए हैं, आप देखिए, चलिए। तो मैं आपके लिए साइड में पिक्चर लगा दूंगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये है सेम, इसी इसकी जो लंबाई चौड़ाई है हमारे बेड के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट जा रही है, मतलब सही जा रही है। कभी कभार ऐसा होता है ना बेड शीट छोटी भी आ जाते हैं, बट इन दोनों के जो है मैंने बिछा के अच्छे से चेक किए थे तो ये सही थे, काफ़ी प्यारा है, दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे नवरात्रि चल रही है, दिवाली आने वाली है, तो इस टाइप की येलो कलर का मतलब अच्छा देता है। ये मंगाया था किचन के जो कपड़े होते हैं ना, मैंने वो मंगाया है क्योंकि मेरे बेकार से हो गए थे, और फिर मैंने कहा चलो मैं मंगाती हूँ। बहुत सारे ऑप्शन थे वहाँ पे, किचन टॉवल भी रखे हुए थे जो कि 200-200 रुपए में थे, बट फिर मैंने काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे ये मिला। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बट मुझे इसका प्राइस याद नहीं है, बता दूँगी। और चलिए इसको ओपन करके देखते हैं कि ये कैसा रिसीव हुआ है। तो ये मुझे ना बहुत अच्छे से, मतलब बढ़िया करके पैक पैक करके मिला था। तो इस तरीके से इसकी पैकेजिंग हुई थी, बहुत बढ़िया तरीके से इसमें। और फिर इसको हम खोलेंगे, ये देखिए, मैं इनकी साइज़ वगैरह भी दिखा दूँगी आपको। तो ये 6 कपड़े मुझे जो है किचन के रिसीव हुए हैं, जिनकी लंबाई चौड़ाई आप देख सकते हैं। ये है किचन के लिए मंगाया था मैंने, ये है। और कपड़ा बहुत ही अच्छा आया है, मतलब बिल्कुल साफ सुथरा कपड़ा है, सही है, कपड़े में जान भी लग रही है मुझे, मतलब कई बार ऐसा होता ना अजीब सा कपड़ा आता है, कपड़ा बहुत प्यारा है कलर में। तो कभी कभार ऐसा भी कर देता है ना, मीशो एक ही कलर के भेज देता है, ऐसे भी करता है, बट ये मुझे अलग अलग कलर में रिसीव हुए।
और ये देखिए ये अलग कलर है, आप देख सकते हैं ब्लैक में है। और उसके बाद एक कलर ये मुझे ऐसे ही फोल्ड होके आए थे ये, और फिर एक ये कलर देखिए, सारे अलग अलग से भेज रखे हैं और बहुत ही प्यारे कलर हैं। इसके बाद ये कैमरा मेरा झुक गया ना बहुत। और आज ही मैं इन्हें लगाने वाली हूँ, कुछ मेरे किचन साफ में आ जाएंगे। और 6 हैं तो 6 का उपयोग मैं इसे ले लूँगी। प्रोडक्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसके बाद फिर मैंने इस पार्सल में क्या मंगाया है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि इसमें 2 पार्सल है जो कि दोनों अलग अलग आए थे, बट डब्बे ही डब्बे हो रहे थे, इसलिए मैंने फेंक दिया। मंगाया है ये है चकला बेलन रखने के लिए, ये मैंने मंगाया है, ये देखिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप बेलन रख सकते हैं और यहाँ पे चकला रख सकते हैं। मैं आपकी इसकी पिक्चर भी साइड पे लगा दूँगी, ऐसे मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगी। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस पर बेलन रखेंगे ऐसे, और इस तरीके से आप चकला रखेंगे। जो इसमें होल बनाया है आप देख सकते हैं नीचे, ये जो होल बनाया है इस पर जाएगी किल, और इस तरीके से दीवार में टंग जाएगा। तो सही है ना, इधर उधर जो है फैले रहता है सामान, तो इस तरीके से आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसमें मुझे रिसीव हुआ है जो पलटा वगैरह नहीं होते किचन में, क्या बोलते हैं पलटा वगैरह, सब्जी हिलाने के काम आता है जो, वो मैंने इसमें मंगाया था। तो ये मुझे इस तरीके से बहुत ही बढ़िया पैकेजिंग में रिसीव हुआ है, इसलिए तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो चलिए ये इस तरीके से पूरे अच्छे से पैक होके आया था, देखिए ऐसे इसकी पैकेजिंग अभी भी ऐसी है, बट मैंने इसमें से एक निकाल दिया था, चेक कर रही थी तो मैंने इसको निकाल दिया था, यूज़ में भी ले लिया था। तो ये मैं दिखाती हूँ आपको इसका पूरा सेट, ये वुड वाले ये है, एक ये है, ये है। तो जितने भी है यहाँ पे ना काम है, किसी से कुछ निकालना होता है, किसी से कुछ निकालना होता है, तो ये है। तो बहुत सारे देखे मीशो में, तो आपको 120 रुपये में, 120, 130, 160, 170 में, क्योंकि प्राइस सबके ना अलग अलग होते हैं। प्रोडक्ट आपको हो सकता है सेम भी दिखे, बट प्राइस तो बहुत ज़्यादा अंतर था। मैंने बहुत देखे, बट उनकी क्वालिटी भी मैंने जब देखी ना, बहुत सारे लोगों की मैंने रिव्यूज़ देखे वहाँ पे, तो अंतर उसमें मुझे लगा, क्योंकि मुझे ना वो पसंद नहीं आ रहे थे। उसके बाद फिर मेरी ढूंढने की बात लगी इन पर, तो इनका प्राइस है 200-250 से ज़्यादा है इसका प्राइस, 260 है कितना है, तो 120 का भी मिल रहा था, 160 का भी मिल रहा था। फिर मैं ये थोड़ा सा महंगा मिला है, और काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे ये मिला, तो मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि इनके साइज़ ना थोड़े से बड़े हैं और क्वालिटी भी इनकी काफ़ी साफ सुथरी है, काफ़ी अच्छी है। तो मैंने कहा जब लेना ही है तो थोड़े से पैसे और सही थोड़ा सा अच्छा ले ले। तो आप देखिए कितने साफ सुथरे मुझे रिसीव हुए, तो ये मैंने देखे मुझे पहले बार में पसंद आ गए थे, इसलिए फिर मैंने उसको ऑर्डर नहीं किया। अगर आप लेना चाहेंगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। एक प्रोडक्ट और बचता है, उसको देख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले मुझे वही रिसीव हुआ था। चलिए मैंने यहाँ पर पूरा सामान फैला दिया था, नहीं सोचिए इसमें क्या होगा। चलिए मैंने इसको खोल के देखा था, क्योंकि सामान कभी कभी क्या होता है ना, ख़राब भी आ जाते हैं, इसलिए मेरा जब भी कोई पार्सल आता है मैं उसे चेक कर लेती हूँ, अगर बेकार होता है तो उसे रिटर्न कर लेती हूँ। तो ये मैंने मंगाया था किचन के लिए, जैसे मैंने टावल तो मंगा दिए हैं, टावल हैंग करने के लिए, टावल को टांगने के लिए भी मैंने कुछ मंगाया था। तो ये मुझे बहुत ही अच्छे से रिसीव हुआ था, तो भी बहुत प्यार था, मतलब जितने भी मेरा सामान आया उनकी पैकेजिंग बिल्कुल ए बन थी। तो ये देखिए आप लोगों ने देख लिया होगा, तो चलिए इसको निकालते हैं, इनको ना जोड़ने पड़ते हैं, ये नीचे से टावल हैंग करने में, तो इस तरीके से है। इसमें मैं चाहूँ तो किचन में कुछ सामान वामान रखना है वो भी रख सकती हूँ, बाकी साबुन वाबुन वॉश करने के, मेरे यहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए मैंने ये मंगाया कि इसको कहीं भी टांग देते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इसको लगाने के लिए आपको कुछ भी ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टाइल में, क्योंकि इसके साथ चिपकाने के लिए आपको मिलेगा ये, इसे जो है अच्छे से ना आप वॉल पे चिपका सकते हो, तो
तो ये चिपकाने से आसानी से वो हो जाएगा, मतलब चिपक जाएगा अच्छे से, इसलिए मैंने मंगाया था। आप इसे बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हो सामान वामान रखने के लिए, बट मैंने इसे किचन के लिए मंगाया। बाकी आप यूज़ तो इसे किसी भी चीज़ में कर सकते हो, कुछ फ्लावर पॉट रखना है या कुछ भी रखना है, आप इस तरीके से इसे यूज कर सकते हो। तो ये मुझे मिल जाएंगे चार, ये देखें, ये एक और इसके साथ कबाड़ भी है। तो ये है, मैं कई बार इस टाइप के प्रोडक्ट क्या होते हैं ना पार्सल में कहीं से दब से भी जाते हैं ना, यहाँ यहाँ से दब से भी जाते हैं। मैंने एक बार और मंगाया था, सब कुछ ठीक था पर थोड़ा सा पिचका हुआ था, बट ये तो इतने प्यार से आया ना, ये देखिए कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा आया है, ये देखिए। तो यही था गाइस, मेरा जो भी सामान मैंने ऑर्डर किया था वो यही है। और कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। लगाऊंगी मैं थोड़ी देर में, पूरा काम खत्म हो जाएगा ना फिर उसके बाद लगाऊंगी, तो फिलहाल तो मैं इसे समेट ही देती हूँ।